उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के मंडका गांव में इंसान और पक्षी की एक अनोखी दोस्ती देखने को मिली, जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। आरिफ और सारस की दोस्ती खूब वायरल हो रही थी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इनसे मिलने पहुंचे और वहीं पर काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल भी इनसे मिलने पहुँचे। लेकिन आरिफ और सारस अब जुदा हो गए हैं और सारस को समस्तपुर पक्षी विहार भेज दिया गया है। वो बोले कि अब इसको ले जाना है, ऊपर से आदेश आ गया है, अब यहाँ नहीं रह सकते, जाएगा ये समस्तपुर। बांध के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे कहीं आने, तब तो वो सवाल उठता है वन विभाग का। वो अपने स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। आरिफ और सारस एक दूसरे से जुदा होकर काफी ज्यादा दुखी है और रो रहे हैं और उनके साथ गांव भी रो रहा है, क्योंकि मतलब एकाएक आए वापस लेके चले, हमने उसे किसी तरह बांध के नहीं रखा था। घर में जहाँ दिल करता था वहाँ जाता था, उड़ जाता था, फिर वापस आता था। और न कभी उसको हम पकड़ के रखे थे, न बांध के रखे थे। वन विभाग का वाइल्ड लाइफ का क्या नियम है हमको ज़्यादा पता नहीं, ले गए वो लोग बस। सारस को वन विभाग की टीम द्वारा समस्तपुर पक्षी विहार ले आया गया है। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया है। सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई, और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया।